हेलो एवरीवन, आज अब महाराजा रणजीत सिंह जी के नाल संबंधित जो इंपॉर्टेंट 120 MCQs हैं वो कवर करांगे। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं जी। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कदों होया सी? महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में होया सी। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म स्थान केड़ा है? इस दी सही ऑप्शन है जी ईडी गुजरांवाला। नैक्सट है जी, महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल नाल सी? तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन आड़ा शुक्र चक्या मिसल के नाल। महाराजा रणजीत सिंह के नाम रणजीत तो की भाव है? इस तो भाव है जी ऊड़ा, युद्ध में जितने वाला। नैक्सट है जी, महाराजा रणजीत सिंह के बचपन का नाम की सी? महाराजा रणजीत सिंह के बचपन का नाम सी जी ऑप्शन आड़ा बुद्ध सिंह। नैक्सट है, महाराजा रणजीत सिंह के दादा जी का नाम की सी? महाराजा रणजीत सिंह के दादा जी का नाम सी जी ऑप्शन आड़ा चढ़त सिंह। नैक्सट है जी, महाराजा रणजीत सिंह के पिता का नाम की सी? महाराजा रणजीत सिंह के पिता का नाम सी जी महा सिंह। नैक्सट क्वेश्चन है जी, महाराजा रणजीत सिंह की माता का नाम की सी? माता का नाम है जी राज कौर। महाराजा रणजीत सिंह की माता नूं माई मलवैन क्यों कहा जाता सी? तो यह कहा जाता सी जी क्योंकि वह मालवा प्रदेश के सन। नैक्सट है जी, बचपन में महाराजा रणजीत सिंह नूं किसी बीमारी कारण उन्हां दी खब्बी अख सदाली खराब हो गई सी। तो आप याद रखना है कि उन्हां दी कीड़ी अख खराब हुई सी खब्बी, तो किस बीमारी के कारण हुई सी? तो इसका आंसर है जी चेचक। महाराजा रणजीत सिंह का राज अभिषेक कदों होया सी? यह होया सी जी 1797 दे विच। नैक्सट है जी, महाराजा रणजीत सिंह का जो राज तिलक होया सी किहड़े स्थान पर होया सी? यह होया सी जी गुजरांवाला दे विच। नैक्सट है जी, महाराजा रणजीत सिंह सन इन्हां दी सब तो पहली लड़ाई किहड़ी सी? वह सी जी सौंदरा की लड़ाई। महाराजा रणजीत सिंह ने सब तो पहला किहड़ी मिसल पर हमला किया? वह सी जी भंगी मिसल। नैक्सट है जी, महाराजा रणजीत सिंह समय सब तो शक्तिशाली मिसल किहड़ी सी? तो इन्हां दी अपनी मिसल ही सी जी शुक्र चक्या मिसल। फिर है जी, महाराजा रणजीत सिंह ने किहड़ी मिसल दे नाल सब तो पहला विवाहिक संबंध कायम किए सी? वह सी जी कन्हैया मिसल। महाराजा रणजीत सिंह जी जो माता जी सन वह किहड़ी मिसल नाल संबंध रखते सन? वह रखते सन जी फूलकिया मिसल दे नाल। तिकड़ी की सरप्रस्ती तो की भाव है? तिकड़ी की सरप्रस्ती तो भाव है जी ऑप्शन ईडी तीन प्रमुख सरदारों का गुट। नैक्सट है जी, जो तिकड़ी की सरप्रस्ती का समा किन्ना सी? वह सी जी ऑप्शन ईडी 1792 तो 1797 ईस्वी तक। नैक्सट है जी, महाराजा रणजीत समय केड़ी पहाड़ी रियासत सब तो वध प्रसिद्ध सी? तो वह है जी ऑप्शन ईडी कांगड़। नैक्सट है जी, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर पर कदों जित प्राप्त की सी? महाराजा रणजीत सिंह जी ने जी लाहौर पर जित 1799 ईस्वी के प्राप्त की सी ऑप्शन ऊड़ा। नैक्सट है जी, महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर से जित कदों प्राप्त की सी? तो अमृतसर से जित प्राप्त की सी जी ऑप्शन सस्सा 1805 ईस्वी के। नैक्सट है जी, महाराजा रणजीत सिंह के समय रणजीत सिंह के समय तो लाहौर में राजधानी बनाने तो पहला महाराजा रणजीत सिंह तो लाहौर की जो राजधानी बनाई से उसको बनाने तो पहला अपने जो राज की राजधानी केड़ी सी? तो वह सी जी गुजरांवाला, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ने 1797 ईस्वी के लाहौर में अपनी राजधानी बनाया सी। नैक्सट है जी, महाराजा रणजीत सिंह के समय अफगानिस्तान का शासक कौन सी? वह सी जी शाहजमान। जो तिकड़ी चल रही सी 1792 ईस्वी तो वह कदों खत्म हुई सी? वह हुई सी जी 1797 ईस्वी के, 5 साल चली सी। नैक्सट है जी, जो 18वीं सदी है इसका जो अंत सी इस जो पंजाब के उत्तर पछम का खेत्र सी उस कैसला राज सी? वह सी जी मुसलमाना का। महाराजा रणजीत सिंह ने महाराज की उपाधि कदों धारण की सी? यह की जी 1801 ईस्वी के जो इन्हों का राज तिलक होया सी। महाराजा रणजीत सिंह ने नेपाल के गोरखियां के नाल केड़ी लड़ाई आ जो लड़ी सी? वह सी जी कांगड़ा की लड़ाई। नैक्सट क्वेश्चन है जी, अमृतसर की लड़ाई में महाराजा रणजीत सिंह का सामना सी जो किस नाल होया सी? तो वह होया सी जी माही सुखा दे नाल। नैक्सट है जी, जो प्रसिद्ध जमजमा तोप है महाराजा रणजीत सिंह नूं किहड़ी लड़ाई तो प्राप्त हुई सी? यह भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह हुई सी जी आड़ा अमृतसर की लड़ाई तो बाद। अगला क्वेश्चन है जी, जो महाराजा रणजीत सिंह सन उन्होंने समय पंजाब के दक्षणी भाग में कैसा राज सी? तो दक्षणी भाग में सी जी अंग्रेजों का राज, उत्तर पछम के मुसलमानों का।
नैक्सट क्वेश्चन है जी, कि लड़ाई के जो अकाली सैना है उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह का साथ दिता सी, तो वह है जी ऑप्शन आड़ा अमृतसर की लड़ाई के सतलुज के इस पार, ये तो की भाव है, इस तो भाव लिया जाता है जी मालवा प्रदेश। नैक्सट है जी सतलुज के उस पार, तो उस पार लिया जाता है जी जो सतलुज के पछमी भाग हैं। नैक्सट है जी वफा बेगम कौन सी, जो वफा बेगम सी वह शाह शुजा की पत्नी सी। नैक्सट है जी जो अकाली फूला सिंह है वह कि लड़ाई के शहीद होया सी, तो जी नौशहरा की लड़ाई के शहीद होया सी, नौशहरा की लड़ाई के। नैक्सट है जी जो शुकराना है, शुकराना तो की भाव है, शुकराना तो भाव है जी जो मुकदमा जीतण के समय जो भी धन लिया जाता सी। इस तो बाद है जी जॉर्ज थॉमस कौन सी, ये हांसी का शासक सी। महाराजा रणजीत सिंह की सब तो पहली तो जो महत्वपूर्ण जित है वह कि वह सी जी लाहौर की। नैक्सट है महाराजा रणजीत सिंह के समय जो नेपाल के गोरखे से उन्होंने सब तो प्रसिद्ध नेता कौन सी, वह सी जी अमर सिंह थापा। महाराजा रणजीत सिंह कि प्रदेश में जितने वे सब तो वध समा लग्या सी, तो वह सी जी पेशावर के इलाके। नैक्सट है अफगाना के महाराजा रणजीत सिंह विचकार पहली कि लड़ाई लड़ी गई सी, ये लड़ी से जी इन्हां दे विच हजरों की लड़ाई। केड़ी लड़ाई के दौरान जो महाराजा रणजीत सिंह सन उन्होंने कोहिनूर हीरा प्राप्त होया सी, वह होया सी जी कश्मीर की लड़ाई दे विच। नैक्सट है जो कोहिनूर हीरा है ये नाम वजो महाराजा रणजीत सिंह किस तो प्राप्त होया सी, किसने महाराजा रणजीत सिंह दिता सी, तां ये दिता सी जी वफा बेगम ने। आपां हुणी पढ़िया वफा बेगम कौन सी, शाह शुजा की पत्नी सी। नैक्सट है जी महाराजा रणजीत सिंह का शासनकाल दसो, तो इन्हों का शासनकाल है जी 1799 तो 1848 ईस्वी। नैक्सट है जी महाराजा रणजीत सिंह के समय जो मराठे सन, मराठियां का सारे नों प्रसिद्ध नेता कौन सी, तो वह सी जी दौलत राव सिंधिया। नैक्सट क्वेश्चन है जी जो महाराजा रणजीत सिंह सन उन्हां दी ताजपोशी कित्थे हुई सी, तो महाराजा रणजीत सिंह की ताजपोशी जी लाहौर दे विच हुई सी। नैक्सट क्वेश्चन है जी राज कौर कौन सी, राज कौर महाराजा रणजीत सिंह की माँ ते पत्नी दोनों का नाम सी, तो इसका सही आंसर है सस्सा। महाराजा रणजीत सिंह के समय पंजाब की राजधानी केड़ी सी, महाराजा रणजीत सिंह के समय पंजाब की राजधानी सी जी लाहौर। जमरौत की लड़ाई में महाराजा रणजीत सिंह का किहड़ा प्रसिद्ध जरनैल आ जो शहीद होया सी, होया सी जी हरी सिंह नलूआ। तो आप याद रखना है किस लड़ाई दे विच शहीद होया सी, जमरौत। जमरौत की लड़ाई कदों हुई सी, जमरौत की लड़ाई हुई सी जी 1837 ईस्वी दे विच। नैक्सट है हैदरो जां हजरो जां शश, ये लड़ाई कदों हुई सी, ये लड़ाई हुई सी जी 1813 ईस्वी दे विच, 1813 ईस्वी दे विच। नैक्सट क्वेश्चन है जी मुल्तान नूं जितण लई महाराजा रणजीत सिंह नूं किन्नियां जो सैनिक मुहिमां सन वह भेजणियां पईआं सन, तां वह सन जी 7 सैनिक मुहिमां भेजणियां पईआं सन। नैक्सट है जी 1767 तो 1799 ईस्वी तक पंजाब दे कि दो दरियावां विचकार सिख मिसलां का जन्म होया सी, तो आपां याद रखना है कि दो दरिया सन, वह सन जी सिंध तो जमुना। नैक्सट क्वेश्चन है जी जो लाहौर दे आपां सही जोड़े बनाउणे हन, तां इस दी सही ऑप्शन है जी ऑप्शन आड़ा, जिसका फस्ट है जी जो लाहौर की जित हुई सी वह हुई सी जी 1799 ईस्वी दे विच, जो अमृतसर की जित हुई सी वह हुई सी जी 1805 ईस्वी दे विच, मुल्तान की जित हुई सी जी 1818 ईस्वी दे विच, अते कश्मीर की 1819 ईस्वी दे विच। आड़ा इसका सही ऑप्शन है। नैक्सट है जी नौशहरा जां टिब्बा टेरी एक लड़ाई हुई सी महाराजा रणजीत सिंह के समय कदों हुई सी, 14 मार्च 1823 ईस्वी दे विच। महाराजा रणजीत सिंह के समय कि अदालत द्वारा जो फैसले किए जाते सन उन्हां खिलाफ़ किसी भी तरह की अपील नहीं की जा सकती सी, वह सी जी जागीरदार की अदालत। नैक्सट है जी महाराजा रणजीत सिंह विरुद्ध जो जहाद शुरू किया जिसनों आप धर्म युद्ध कहने हाँ, वह किसने शुरू किया सी, वह किया सी जी सैयद अहमद खान ने। नैक्सट है जी जहाद तो की भाव है, इस तो भाव है जी धर्म युद्ध। जनरल वेंतुरा जो महाराजा रणजीत सिंह की सैनिक आर्मी के विच सी, वह कि देश का वासी सी, वह रहने साल वाला सी जी फ्रांस का।
नैक्सट क्वेश्चन है जी, जो जनरल अलाट सी महाराजा रणजीत सिंह की सेना के कि अंग में मेन सिखलाई दिता सी, जनरल अलाट दिता सी जी महाराजा रणजीत सिंह दे जो घोड़सवार सेना सी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, जो जनरल अलाड है वह कि देश का रहने वाला सी, तो वह भी फ्रांस का। आप याद रखना है कि जो जनरल वेंतुरा तो अलाड तुम महाराजा रणजीत सिंह की सेना के सन, वह दोनों ही फ्रांस के रहने वाले सन। नैक्सट है जी, महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में कि मराठा नेता उन्होंने मिलन आया सी, तो वह सी जी जसवंतराव होलकर। नैक्सट जी, आप सही जोड़े बनाने हैं तो इसका सही ऑप्शन है जी, पहला है वदनी का प्रश्न। वदनी का प्रश्न जो होया सी उस होया सी जी 1821 ईस्वी दे विच। फिर है जी सिंध का प्रश्न, सिंध का प्रश्न होया सी जी 1832 ईस्वी दे विच। नैक्सट है जी शिकारपुर का प्रश्न, ए सी जी ऑप्शन आड़ा 1836 दे विच। ते फिरोजपुर का प्रश्न होया सी जी 1838 दे विच। ते इस तरह आड़ा जो ऑप्शन है वह सही है। फिर है जी लाहौर की संधि कदों हुई सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लाहौर की संधि हुई सी जी वो 1 जनवरी 1806 ईस्वी में हुई सी। नैक्सट है जी, जो लाहौर की संधि हुई सी इससे रिगार्डिंग एक जो एक स्टेटमेंट गलत है, तो अपने दसना है जी वो गलत केड़ी है। वो है ऑप्शन आड़ा, सतलुज दरिया महाराजा रणजीत सिंह की खेत्र का जो हादसा वो बन गया सी, ये अमृतसर की संधि दे विच बनया सी जी। नैक्सट है जो लाहौर की संधि है उस समय भारत का गवर्नर कौन सी, वो सी जी लॉर्ड मिंटो। नैक्सट है जी, अमृतसर की संधि कदों हुई सी, अमृतसर की संधि हुई सी जी ऑप्शन उड़ा 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। नैक्सट है जी, जो अमृतसर की संधि हुई सी ये केड़ियां दो शक्तियां दे विचकार हुई सी, अमृतसर की संधि हुई सी जी सिखा ते अंग्रेजां दे विचकार। नैक्सट है, किड़े अंग्रेज अधिकारी की कोशिश सदका जो अमृतसर की संधि है हो सकी सी, वो सी जी चार्ल्स मैटकाफ दे जतना दे सदका हुई सी। नैक्सट है जी, जो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ते महाराजा रणजीत सिंह की मुलाकात हुई सी वह कित्थे हुई सी, तो उन्होंने जो मुलाकात हुई जी सी जी 1831 ईस्वी दे विच रोपड़ दे विच। नैक्सट है जी, जो सिंध की संधि वह कदों हुई सी, सिंध की संधि जी 26 अक्टूबर 1831 ईस्वी में हुई सी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, जो सिंध की संधि सी ये एक संधि सी, एक जो सिंध की संधि है किस तरह की एक संधि सी, तो जो सिंध की संधि है ये जी एक आर्थिक संधि सी। ये संधि किन्ना किन्ना दे विचकार हुई सी, ए जी अंग्रेज ते जो सिंध दे अमीर सन उन्हां दे नाल हुई सी। शाह शुजा कौन सी, शाह शुजा जी अफगानिस्तान दा शासक सी जिसकी वाइफ नाम वफा बेगम सी, जिसने लड़ाई तो जो अमृतसर जो महाराजा रणजीत सिंह नूं उसने कोहेनूर दा हीरा खुश होकर भेंट किया सी। नैक्सट है जी, जो महाराजा रणजीत सिंह सन उन्हां दे जीवन दा आखिरी युद्ध किहड़ा सी, तां उह है जी जमरौद दा युद्ध। त्रैपक्षी संधि कदों हुई सी, त्रैपक्षी संधि हुई सी जी 26 जून 1838 ईस्वी में। कड़िया शक्तियां दे विचकार हुई सी त्रैपक्षी संधि दे विच जी, अंग्रेज अफगान ते सिखां वल्लों महाराजा रणजीत सिंह सन। सिख साम्राज्य की पहली महिला शासक कौन सी, एक क्वेश्चन आप याद रखना है जी, वह सी राणी चंद कौर। नैक्सट है जी, सब लाल हो जाएगा महाराजा रणजीत सिंह ने यह शब्द केड़ी संधि दे लई वरते सन, तो यह इन्होंने वरते सन त्रै पक्षी संधि दे लई। कदों हुई सी जी, आपां हुणे पढ़िया है 26 जून 1838 ईस्वी दे विच। महाराजा रणजीत सिंह अपनी सरकार नूं की कह के बुलाउंदे सन जी, सरकार खालसा। श्री हरिमंदर साहिब ते जो सोने के पत्तर लगाए हैं, प्लेटा लगाइया, किन्हां ने लगवाइया सन जी, महाराजा रणजीत सिंह ने। नैक्सट जी, आप मैचिंग करनी है, इसकी सही ऑप्शन है ई डी। अटक की जित कदों हुई सी जी, अटक की जित हुई सी 1813 ईस्वी दे विच। नैक्सट है जी, डेरा गाजी खान की जित, डेरा गाजी खान की हुई सी जी 1820 दे विच। नैक्सट है जी, जो डेरा इस्माइल खान की हुई सी जी ऑप्शन उड़ा 1821 दे विच। ते जो पेशावर की जित हुई सी जी ए हुई सी 1834 ईस्वी दे विच। नैक्सट है जी, जो महाराजा रणजीत सिंह सन उन्होंने दरबार की राजभाषा केड़ी सी, तो वह सी जी फारसी।
महाराजा रणजीत सिंह दे घोड़ा सी उसका की नाम सी? उसका नाम सी जी लैली। महाराजा रणजीत सिंह दे जो प्रशासन का सुभाव सी, मतलब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की सी, तो उसनों आप कह सकते हैं कि तानाशाही सी। हरेक पासे जो महाराजा रणजीत सिंह सन वो अपनी सरकार नूं वधिया तरीके नाल चलाउणा चाहुंदे सन। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज नूं किन्ने हिस्सों विच वंडिया होया सी? ते वंडिया होया सी जी चार हिस्सों दे विच। ते महाराजा रणजीत सिंह दे जो चार सूबे सी, प्रांत सी, उन्हां दा आपां सही जो क्रम है दसना है, तो वह है जी लाहौर, मुल्तान, कश्मीर ते पेशावर। नैक्सट है जी महाराजा जो उन्होंने टाइम सूबा सी उसका प्रशासन कौन चलाउंदा सी? तां सूबे का प्रशासन चलाउंदा सी जी नाजिम। नैक्सट जी आपां सही जोड़े बनाउणे हन, प्रधानमंत्री ते उन्हां दे नां दसणे हन कि कीड़े अहुदे ते कीड़ा सी, तां आपां दसणा है जी फस्ट प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन सी जी? राजा ध्यान सिंह। नैक्सट है जी विदेश मंत्री, विदेश मंत्री सी जी फकीर अजीजुद्दीन। नैक्सट है जी वित्त मंत्री, वित्त मंत्री सी जी दीवान भवानी दास। सेनापति सी जी नरी सिंह अलुआ नलुआ। तो इसका बनता है जी सस्सा, सही ऑप्शन बनता है। नैक्सट है महाराजा रणजीत सिंह के दरबार के जो दफ्तर तुजाहित सी उसका मुख्य काम की सी? वो जी जो शाही घराने का सारा हिसाब किताब हुंदा सी उसका हिसाब किताब रखते सन। नैक्सट है जी दफ्तर तोशाखाना सी, दफ्तर तोशाखाना दे विच कीमती वस्तुओं का देखभाल की जाती सी। महाराजा रणजीत सिंह दी जो राज दी मुख आमदन सी वो कित्थों हुंदी सी? भूमि लगान तो। नैक्सट है जी भूमि लगान दे संबंधी एक जो स्टेटमेंट वो गलत है वो आप दसनी है, वह है जी बटाई प्रणाली, कनकूत प्रणाली, मनसबदार प्रणाली ते इल्जामदार प्रणाली राही महाराजा रणजीत सिंह दे समय विच जो लगान है वो इकट्ठा किया जाता सी। नैक्सट है जी जो अबवाब है, अबवाब की सी? अबवाब महाराजा रणजीत सिंह के समय एक छोटा जा कर सी उसनों आप अबवाब कहते सी। महाराजा रणजीत सिंह के समय जो भूमि लगान इकट्ठा करन दी प्रचलित जो सारे नालों प्रचलित प्रणाली सी वह केड़ी सी? वह सी जी बटाई प्रणाली। नैक्सट है जी महाराजा रणजीत सिंह के समय भूमि कर दी केड़ी प्रणाली राही खड़ी फसल नूं देख के जो कर है वह निर्धारित किया जाता सी? तो वह है जी ऑप्शन उड़ा कनकूत प्रणाली। तो वह केड़ी प्रणाली सी जिस समय फसल की कटाई तो बाद आपां जो टैक्स वगैरह निर्धारित करते सी? तो वह सी जी बटाई प्रणाली। नैक्सट है महाराजा रणजीत सिंह के समय जो प्रांत सी जां सूबे सी उन्हां दी इस तों बाद हेठली प्रशासनिक इकाई केड़ी सी? वह सी जी परगना। महाराजा रणजीत सिंह समय सब तो छोटी इकाई केड़ी सी प्रशासन दी? वह सी जी मौजा। नैक्सट है जी महाराजा रणजीत सिंह के समय जो पिंड का प्रशासनिक अधिकारी जो मुकदम अजोके समय के किदे बराबर उसका जो रुतबा है जो स्टेटस सी वह सी जी नंबरदार के बराबर। जो जबत प्रणाली है उसनों होर केड़े नाँ दे नाल जाने जाता है? उसनों जाने जाता है जी नकदी प्रणाली दे नाल। अफीम ते तंबाकू की फसल जिहड़ी उगराही की जाती सी वह केड़ी प्रणाली दे राही की जाती सी? वह की जाती सी जी जबत प्रणाली दे नाल। नैक्सट है जो नजराना है, नजराना का की मतलब सी? किसी तरह के गिफ्ट जां तोहफे नूं आपां कहने हाँ। नैक्सट जी आप सही जोड़े बनाने हैं गुजारा जागीर। फस्ट ऑप्शन का है जी उड़ा गुजारा जागीर का अर्थ है जो आश्रिता जो कि आश्रिता दिती जाती सी। नैक्सट है जी तरमारत जागीर। तरमारत आप समझ सकते हैं जी जो धार्मिक संस्थावान दिती जाती सी। इनाम जागीर जो कि किसी विशेष सेवा लिए दिती जाती सी। सिविल जागीर जो कि प्रशासनिक अधिकारियों दिती जाती सी। सस्सा इसका सही ऑप्शन है। नैक्सट है जी महाराजा रणजीत सिंह के समय केड़ी जागीर की गिनती सब तो वध सी? तो वह सी जी सेवा जागीर की गिनती जो महाराजा रणजीत सिंह के समय से वह सब तो। नैक्सट है जी लाहौर शहर में महाराजा रणजीत सिंह की एक विशेष अदालत स्थापित की सी, तो उस अदालत का की नाम सी? उसका नाम सी जी अदालत आला। नैक्सट है जी महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में सब तो पहला कदों तो किसू राजदूत बना के भेजा सी? ये आपता है जी जो एंग्लो सिख रिलेशन किए हैं, तो इसका आंसर है जी यूसुफ अली 1800 ईस्वी के बीच, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान के शासक तो अंग्रेज़ों को डर सी हमले का, तो उन्होंने यूसुफ अली भेजा सी जो आप यूसुफ अली का मिशन इस तो पहलिया वीडियोज़ कर चुके हैं। नैक्सट है जी महाराजा रणजीत सिंह के समय जो अदालतों के अधिकार सी वो खेत्र मुताबक आप तरतीब वार सही दसना है कि सीकुएंस किस तरह सही है, कि अदालत किस नंबर पर आती है? फस्ट आती है जी अदालत आला,
दैन अदालत की अदालत दैन नाजिम की दैन कारदार की तो इसका सही ऑप्शन है। नैक्सट है जी जो अमृतसर पेशावर मुल्तान के व्डे व्डे शहर से तो इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह ने कि अदालत स्थापित की सी वो सी जी अदालती दी अदालत। नैक्सट है जो जफरनामा है रणजीत सिंह इसनों किसने लिखा सी इसनों लिखा सी जी दीवान अमरनाथ ने। महाराजा रणजीत सिंह अपनी सरकार को की कह के बुलाते सन दोबारा रिपीट होया जी सरकार ए खालसा। महाराजा रणजीत सिंह ने महाराज की उपाधि जो ली सी एक किस जित तो बाद ली सी इस जी अमृतसर की जित तो बाद। नैक्सट है जी महाराजा रणजीत सिंह अपने आप को की आखते सन तो महाराजा रणजीत सिंह अपने आप को रणजीत नगाड़ा कहाते सन। नैक्सट है जी रणजीत नगाड़ा तो की भाव है इसका अर्थ है भी जो गुरु गोबिंद सिंह जी के उपदेशों का प्रचार करते हैं उन्होंने कहा जाता है। नैक्सट है जी मोरा ते गुलबहार बेगम ये कौन सन ये महाराजा रणजीत सिंह जी दियां पत्नियां सन। नैक्सट है जी जो जफरनामे रणजीत सिंह है इसकी रचना किसने की सी तो जफरनामे रणजीत सिंह की रचना जो की सी जी ये की सी दीवान अमरनाथ ने। नैक्सट है जी जो महाराजा रणजीत सिंह के दरबार के सब तो वध उच्च अधिकारी कि धर्म के सन तो वह सन जी हिंदू धर्म के। नैक्सट है जी जफर जंग ते सफदर जंग जो महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में सी ये की सन ये जी उपाधियां के नाम हैं। महाराजा रणजीत सिंह के समय संकल्प ते तुलादान ये दो परंपरावां सन किहड़े धर्म के नाल संबंधित सन ते ये सन जी हिंदू धर्म के नाल। सेना का पछमीकरण की महाराजा रणजीत सिंह नूं लोड़ पई सी तो सेना का पछमीकरण तो बाद महाराजा रणजीत सिंह ने किहड़ी लड़ाई लड़ी सी वो सी जी मुल्तान की लड़ाई। नैक्सट है जी महाराजा रणजीत सिंह दी जो सैनिक जित्तां सी इन्हां विचों सब तो जो ज़्यादा योगदान लिया वो किहड़ी सेना का सी वह सी जी प्यादा सेना का। महाराजा रणजीत सिंह दी सेना दे विच किहड़ा वर्ग शामिल नहीं हुंदा सी तो वह सी जी मराठा। महाराजा रणजीत सिंह दे काल विच रसाले शब्द रसाले कहा जाता सी इस जो रसाले शब्द सन ये किस दे नाल संबंधित सन यह सी जी सेना दे कुछ टर्म दे विच वरते जाते सन। इस तो बाद जी आप अलग अलग तोशाखाने पढ़े सन हुण आप उन्हां दा मिलान करांगे। पहला है जी तोपखाना फीली फीली आपां कीता सी जी जो हाथी जिन्हां नूं खिंचदे सन। फिर है जी तोपखाना छुतरी छुतरी सी जी जो ऊंट खिंचदे सन। अशपी अशपी सी जी जो घोड़े खिंचदे सन ते गावी जो कि बल्द खिंचदे सन। उड़ा अड़ा ईड़ी सस्सा इन्हां दा सही सीकुएंस है। नैक्सट है जी महाराजा रणजीत सिंह की मौत कदों हुई सी तो महाराजा रणजीत सिंह की डैथ हुंदी है जी 27 जून 1839 ईस्वी नूं ते महाराजा रणजीत सिंह की जो मौत हुंदी है उस तों बाद पंजाब का शासक कौन बनता है तो वह बनता है जी खड़क सिंह। तो इस दे नाल ही महाराजा रणजीत सिंह जिन्ने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सन वो सारे आप कवर कर ले हैं। नैक्सट आप पहला एंग्लो सिख युद्ध दूजा एंग्लो सिख युद्ध वो सारे कवर करांगे। थैंक यू।